बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम मिर्ची से भजिया बना रहे हैं। ये भजिए जो है बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी रमज़ान की आमद आमद है, और रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि सर रात शाम के वक्त में सर में दर्द होने लगता है और मतली होती है, लेकिन ये मिर्ची के जो भजिए आप खाएँगे तो आपको जो है ये तकलीफ़ नहीं होगी और बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो ये मिर्ची के भजिए बनाने के लिए हमने जो है बड़ी वाली मिर्ची ली है। ये मिर्ची जो है फीकी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और इनको हम चीरा लगाएंगे दरमियान से, इसको एक चीरे से कट लगाएंगे, और उसके अंदर जो है कुछ मसाले भरेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। ये हमने लिया है चने का आटा यानी कि बेसन, जितना इसको लगेगा मतलब इसको तलने के लिए जितना दरकार होगा उतना हम यूज़ करेंगे। ये है चावल का आटा, ये 1/4 कप है। इसके अलावा है अजवाइन, ये भी हम बेसन में डालेंगे। हल्दी पाउडर है, ये भी बेसन में डालेंगे, और थोड़ा सा खाने का सोडा है, ये भी बेसन में डालेंगे, और इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे गाढ़ा सा। मिर्चियों में भरने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा है, ये जो है चाट मसाला है, ये नमक है, और ये अमचूर पाउडर है। अमचूर पाउडर हमको जितना ज़रूरत होगी लेंगे, और ये सबको मिक्स कर लेंगे हम। इसमें से अमचूर पाउडर थोड़ा हम कम कर देंगे, अगर ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा और मिलाएंगे, वरना इसको अलग कर देंगे, कम कर देंगे। और ये मिर्चियों के अंदर चीरा लगा के, जैसे बताते हैं आपको कि कैसा चीरा लगाना है, जैसे मिर्ची लेंगे और इसको ऐसे यहाँ से ऊपर से कट करते हुए नीचे तक आएंगे, और इसके अंदर के बीज जो है इसको हमको निकाल लेना है। ये बीज निकालने से क्या होगा कि इसका तीखापन और भी कम हो जाएगा, और अगर आपको नहीं निकालना है तब भी चलेगा। ये इस तरह से हम बीज सारे निकाल लेंगे इसके, और ये जो है जो ये खाली पोर्शन है इसमें ये पूरा मसाला अच्छी तरह से भर देंगे, फिर ऐसा पैक करेंगे, और ये जो बेसन का घोल है इसमें बना के इसको डीप फ्राई करेंगे। तभी हम मसाला भर लेते हैं, बेसन का घोल बना लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने चावल का आटा और बेसन इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला लिया है, मिक्स किया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा, हल्दी पाउडर, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोल बना लेंगे गाढ़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, और उसके बाद में अच्छे से इसको मिक्स करके घोल बना लेना है। और ये अच्छा जब घोल बन जाएगा तब हम इसमें सोडा मिलाएंगे, अभी सोडा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि सोडा अभी मिलाने से ज़्यादा फूलता नहीं है। बाद में जब तलने के टाइम पे 5 मिनट पहले मिलाने से हमारे पकौड़े जो है वो बहुत अच्छे से फूले फूले बनेंगे। तो ये अच्छे से हम मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी इसमें जो मसाला हमें भरना है तो ये हम एक बॉल में ले लेते हैं। चाट मसाला है, नमक है, और ये ज़ीरा, और इसमें हम ये अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, देखते हैं अभी पहले मिक्स करके। ऐसा ड्राई ही भरना है, ज़्यादा उसको गीला नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो मिर्ची के अंदर से पानी निकलता है, और फिर वो बेसन में और फिर ऑयल में जब तलते हैं तब भी वो जो है बाहर आ जाता है, मतलब तो पानी इसमें से निकल के बाहर आ जाता है, और फिर वो बराबर भजी बनती नहीं है। लेकिन जब ड्राई हम मसाला भरते हैं तो हमारी मिर्ची जो है वो बंद रहती है, मतलब उसके अंदर से निकलने का बाहर सवाल ही नहीं होता, और बहुत अच्छे से भजिए बनते हैं। ये भी हमने मिर्ची को साफ़ किया हुआ है, आपके सामने ही चीरा लगाया है। अभी इसके अंदर ये इस तरह से हमको मसाले को फिल करना है। हाथ से भी भर सकते हैं आप, लेकिन ये से चम्मच से भरो तो ज़्यादा नीचे से अच्छे से भर जाता है। ये इस तरह से हमको पूरा अच्छे से टैप करके भर देना है, बस ये ऐसा लग जाएगा पूरा अंदर। जब मिर्ची खाते हैं तो ये खट्टा नमकीन बहुत अच्छा लगता है, और तीखा नहीं लगता। तो इस तरह से हम सारी मिर्ची भर लेते हैं। बेसन भी हमारा तैयार है, और अभी हम ऑयल गर्म करने रखेंगे और आपको फिर फ्राई करके दिखाएंगे। नाज़रीन, हमने ये मसाला जो है मिर्चियों के अंदर से बीज, ये सारे बीज हमने निकाल दिए, ये फेंक देना है हमको, ये वेस्ट हो गया है। और अब जो यहाँ पर ये मसाला जो है हमने सारी मिर्चियों में भर दिया, और ये मसाला जो है ज़्यादा हो गया, बच गया है, तो इसको क्या करेंगे हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे, और कल या परसों जब भी हम भजिए बनाएंगे इस हफ्ते में तो ये दोबारा यूज़ हो जाएगा। अब हमारे पास है यहाँ पर अजवाइन और ये सोडा, और हमने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये गरम गरम तेल जो है कढ़ाई में से इसमें डालेंगे, लेकिन पहले इसमें हम थोड़ा सोडा डालेंगे, और ये अजवाइन भी डाल देंगे,
और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अजमीर सोडे के ऊपर तेल डालेंगे, तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कि हमारे भजिए जो है वो बहुत अच्छे फूले फूले बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा तेल डालना है और बस, और इसको अभी मिक्स कर देंगे। हमें हाथों की मदद से ही हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर फ्राई करके आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये घोल बहुत अच्छी तरह से एकदम स्मूथ और बहुत अच्छा बना है। बस इतना ही गाढ़ा करें आप, उसको पतला ना करें, वरना फिर बेसन जो है मिर्चियों पर ठहरता नहीं है। ऐसे मिर्ची लेना है और उसको पूरी अच्छी तरह से कोट करना है। तेल हमने गरम कर लिया है, अच्छी तरह से तेल हमारा गरम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीडियम हीट पे इसे फ्राई करना है, वरना क्या होगा अगर तेज़ करेंगे तो बाहर से जल जाएगी और लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर स्लो करेंगे तो फिर बहुत सारा तेल जो है ये सोख लेगी, तो इसलिए हम इसको मीडियम हीट पे ही फ्राई कर रहे हैं। अच्छी तरह से फ्राई करके थोड़ा कलर चेंज करके हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से हम सारी फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये बड़े मीडियम आँच पर हमने ये भजिए जो है हमने मीडियम आँच पर फ्राई किए हैं और ये फ्राई हो चुके हैं, थोड़े बाकी है, ये भी हो जाएंगे, उसके बाद में हम प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो चटनी के साथ सर्व करें या ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं, इसको चटनी की ज़रूरत ही नहीं है, चाय के साथ आप पेश करें इसको खाने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए नाजरीन, ये हमारे मिर्ची के पकौड़े या मिर्ची के भजिए तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। हरी चटनी के साथ हमने इसे सर्व किया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।